लेकिन और आप देख रहे टेक्निकल मास्टर वी आर इंजन। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं आपके लाया हूँ कि आपने पीसी में PS2 यानी कि PlayStation 2 सोनी का कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप में इसमें गेम्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर क्या होता है कि फोन में गेम्स खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है PSP की मदद से, पर PC में आपको पहले तो बड़ी स्क्रीन मिल जाती है विद कीबोर्ड की मदद से आपको गेम को और भी ईजीली और बहुत ही गेमर्स टाइप की एक्सपीरियंस आप ले पाते हो। और आपको बताइए आजकल PS5 भी आ गया है, उसकी रेट बहुत हाई है, तो भाई PS5 तो कोई आम इंसान तो ले नहीं सकता। अब PS4 तो आपको सेकेंड हैंड मिल भी जाए मुश्किल से ही, पर अब PS2 की बात करें तो PS2 लोग कुछ लोगों को पता ही नहीं कि PS2 भी होता है, सब PSP का नाम लेते हैं या फिर PlayStation पोर्टेबल का नाम लेते हैं, पर PS2 भी होता है जो आप अपने PC में इंस्टॉल करना कम ही लोगों को आता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने PC में PS2 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें गेम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इसकी बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं कई ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा आपको इसी वीडियो में ताकि आप अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस को और अच्छे से प्ले कर पाए। तो बिना टाइम इसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बी स्टार्टिंग। Don't forget subscribe button and press a bell icon, never miss updates. Press first option and direct notify my newest video. आपको PlayStation 2 यानी कि PS2 कैसे इंस्टॉल करना है अपने PC में और साथ ही साथ इस प्रोसेस को आपको टिक टू कॉपी करना है तभी आपका PS2 आपका चलेगा अच्छे से। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दोनों फाइल्स के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, मतलब डाउनलोड कर लेना है। तो चले जाते हैं डाउनलोड के पास, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है पहले तो ये इस फाइल को आपको PCSX2 का जो सेटअप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका मैं आपको डायरेक्ट और GP लिंक दोनों दूंगा। और एक ये है PS2 बायो जिसका मैं आपको GP लिंक दूंगा, इसको आपको GP लिंक से डाउनलोड करना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का मैथड डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से आप इस फाइल को। और इन दोनों फाइल का बहुत जरूरत है, मैं नहीं पूरा तभी आपका PS2 वर्क करेगा आपके PC में। तो दोनों फाइल्स को आपको डाउनलोड कर लेना पहले नीचे से वीडियो देख के। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको PSX2 सेटअप को इंस्टॉल करके क्लिक करना, डबल टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है रन का ऑप्शन, रन का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। विंडोज 10 में भी यही ऑप्शन आएगा, आपको विंडोज 10 में भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अभी देखा था कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मुझे विंडोज 10 में सिमिलर ही होते हैं, कुछ स्टेप्स अलग होते हैं, तो रन के ऑप्शन पे क्लिक कर लिए, क्लिक करिए वेरीफाई का फुल वेरीफाई ले गई। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है सेलेक्ट एन इंस्टॉलेशन मोड ऑफ PSX2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिंपली नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, आपको पोर्टेबल इंस्टॉलेशन पे नहीं क्लिक करना है, नहीं तो फ्रेंड्स ये आपका सिर्फ कुछ दिनों तक ही रहेगा या फिर आप इसे फोल्डर में आपका इंस्टॉल होगा। नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आपसे एक फाइव वो अलाउ मांगेगा यहाँ पे आपको, तो इससे यहाँ पे आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, पहला PSX2 1.6 का रिक्वायर्ड जिसको तो आपको हटाने ही नहीं, मैं हटेगा ही नहीं। दूसरा है स्टार्ट मेन्यू सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, अगर आपको डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर नहीं करना तो ये हटा सकते हैं, मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है फोल्डर का, फोल्डर चेंज करना सकते हो कर सकते हो, नहीं तो मैंने ये इसको छोड़ के नहीं है। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये इंस्टॉल होना चालू होगा, फिर यहाँ पे आपका चालू बिकॉज फाइल है वो नेक्स्ट होगा, तो इंटरनेट को ओपन करते हैं यहाँ पे जस्ट इंस्टॉल हो गया मतलब। और यहाँ पे आपको मिल जाता है रन PS5, इसको अब रन करते हैं। अब आता है तो इसको कट कर देता हूँ मैं यहाँ। तो फ्रेंड्स ये जो फाइल है PS2 BIOS इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इसको यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पहले एक्सट्रैक्ट कर रखा है यहाँ पर, जो
PS2 बाय उसे आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। इन सभी को आपको कर लेना है, उसको कॉपी कर लेना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं जो सेटअप है, रन होने के बाद यहाँ पे आपको किसी आपको आता है तो कर सकते हैं, वरना इसको बिल्कुल ना छोड़े, ठीक है। इसके साथ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे शो कर रहा है, आपने शो नहीं करेगा तो आपको ओपनिंग एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। ओपनिंग एक्सप्लोर क्लिक कर आपको यहाँ पे वैसे आपका एम्प्टी होगा, खाली होगा बिल्कुल, उसे आपको सिंपली पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप जापान से है तो जापानीज कर सकते हैं, यूरोप से है तो यूरोप कर सकते हैं। मैंने सब टाइटल्स डाल रखी है, आप सब टाइटल्स यूज करके पढ़ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो मैं अभी इंग्लिश को चूज करूंगा कि यूएस की इंग्लिश होती है। फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये प्रोग्राम जो होगा वो लोड लेगा, और ये देखिए जो वो है PS2 वो ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको ये जो डीबगिंग है इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा PS2 जो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है आपके पीसी में। अगर आपका पीसी विंडोज 10 का है तो उसमें भी सेम प्रोसेस होगा, नहीं तो आप रिकमेंड कर दीजिए, मैं इसकी अपकमिंग विंडोज 10 की वीडियो बनाऊंगा जरूर। और तो ये देखते हैं अब आपको इसमें इम्पोर्ट कैसे करना है फाइल, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिस्टम पे जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है बूस्ट iOS फास्ट या बूस्ट iOS फुल, बहुत ऑप्शन है जो चूज करना आप चूज कर सकते हैं। मैं फुल पे वैसे चूज करूँगा, और आपको सिंपली अपनी पीस मतलब अपने फोन में अपने पीसी में आपको अपने जो iOS फाइल चले जाने फिर मैं अभी थोड़ा मेरे फाइल ये आ गया है गेम पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद iOS फाइल जो है वो आपकी पीस में ओपन करेगी, ठीक है फ्रेंड्स ऐसे कुछ। तो अभी प्ले नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा, और याद रखिए जो iOS फाइल होगा वो PS2 वाला ही iOS फाइल में चलेगा। PSP वाला जो iOS फाइल है वो अलग से आता है, आपको उसको फिर से डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं देख सकते हूँ कि मैं अभी एक फाइल डाउन कर रहा था सेटअप के तौर पर, रैंडम प्रोसेसर ऑन अर्थ, जो आपको ऐसे डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके दो दो मेथड्स हैं, ये आपको आपके पास अगर पड़ा होगा iOS 5 PS2 का तो वो बिल्कुल चल जाएगा उसमें, नहीं तो आप सेटअप के तौर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC में, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको पता चल गया होगा प्रोसेस, बहुत ईजी प्रोसेस थे, थोड़ी बस मुश्किल थे। और आपको अच्छे से आता है यूज करना तो आप इसमें कुछ एडवांस चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो ये PS2 है वो इंस्टॉल हो चुका है आपके पीसी में, और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट रखने वाले गेमर्स को अपने PC में कोई सी मतलब प्रॉब्लम हो गेमिंग के रिलेटेड तो उनसे पूछ सकते हैं भले। और मैं टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया पे मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ। आफ्टर सम टाइम्स मैं फ्री फायर और सम गेम्स चालू करूँगा गेम प्लेस की, पर अभी मैं आपको यही बताऊँगा। और साथ ही साथ मैं जो गेम्स हैं जैसे कि गॉड ऑफ वॉर 4 और सम गेम्स, उनकी भी रियल और फेक नहीं रियल वाली जो iOS फाइल है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। बट आपको बता दूँ ये जो रियल फाइल होती है इनकी साइज बड़ी होती है। अगर आप सोचते हो कि ये छोटी में हाईली कंप्रेस मिल जाती है आपको, इसमें हाईली कंप्रेस 10 GB की 2 MB में करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधा फेक एडवर्टाइजमेंट होता है, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। मैंने प्रीवियसली मैंने वीडियो बना दी थी गलती से, फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च कर लिया, यार ये तो गलत है, मैंने बहुत डिलीट करी है, और मैंने
रखा है इसमें, मैंने ओरिजिनल वाली भी डाली हुई है, आप किस किस्म में पढ़ सकते हैं। तो जो ओरिजिनल गेम्स होती है उनकी साइज एक हाईली कंप्रेस भी हो तो वो एक जीबी के ऊपर ही होगी रियल वाली। जो भी आपको पर्सन बोलता है कि भाई मैं आपको 5 जीबी की गेम, 4 जीबी की गेम या फिर 4 एमबी, 10 एमबी या फिर 100 एमबी में दे रहा हूँ, वो सरासर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, उसके बिलीव बिल्कुल ना करें। 1 जीबी के अंदर आएगी, ठीक है। और मैंने भी अपनी जो कुछ वीडियोस की मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में दे रखी ताकि देखते, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने ओरिजिनल भी डाल रखी है। ओके, तो जो ये हरकतें करते हैं कि यूट्यूब पर कोई भी फेक वीडियो उठा के उसको देखते रहते हैं, सारी वीडियोज पे बिलीव करते हैं, आप गेमर्स हैं, अपना डाटा और अपना टाइम वेस्ट ना करें इन सारी चीज़ों में, ओरिजिनल मिलेगा मेरे चैनल पे। और सब ऐसे चैनल मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ऐसे चैनल्स हैं उन चैनल्स पे भी आप चले जाइए, ओरिजिनल लिंक्स देते हैं, बट आप नहीं मेरा बस इस कारण आप अपना टाइम भी कर सकते हैं, डाटा भी यूज करते हैं और अपने फोन पे भी मजबूर करवा लेते हैं, तो हैक भी कर लेते हैं ऐसी चीज़ों में, टू बी सिक्योर। मैं कहते तो है पर आज तक आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो गेम्स होती है वो आउट ऑफ स्टेट की होती है, आउट ऑफ स्टेट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा ऐसी वीडियोज पर बिलीव ना करें। मैं अपने चैनल्स पे जो भी ऐसी वीडियोज है उन पर मैं ओरिजिनल लिंक भी डालता हूँ, उनको और डिस्क्रिप्शन को पूरा पढ़ा करें। तो अभी जैसे कि मैंने PS2 का बनाया है ये वीडियो, तो इसके बाद मैं आपको और भी कई सारी ऐसी गेम्स की रिलेटेड वीडियोज भी डालूंगा। और मैंने ऐसे बोला था कि ये टेक्निकल चैनल है, इस पर गेम्स के लिए और भी अच्छा वीडियोज आएगी, तो मुझे कमेंट करिए कौन सी प्रॉब्लम आ रही है आपके एंड्रॉइड फ़ोन में और आपके पीसी में, मैं उसका सोल्यूशन जरूर निकालूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं इतना रिच नहीं हूँ कि मेरे पास विंडोज 10 का पीसी है, मेरे पास विंडोज 7 का ओल्ड पीसी ही है। अभी मैंने 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए कि मेरी अर्निंग आ पाए, और ना ही पहले हुआ है कि मैं लाइव, मैं भी सम टाइम लेटर मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग के गेमर्स के लिए बेस्ट वीडियो लाऊंगा, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें और लाइक करना वीडियो को ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो गेमिंग का न्यू एक्सपीरियंस आपको दिलाएगी और आपको कई और बताएंगे। तो वीडियो के साइज आपको पूरे पूरे 5 डिफरेंट में आपको मेरे सब पैकेज मिल जाएगा। अगर आपको हिंदी में दिक्कत आ रही है तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, और आप पढ़ भी सकते हैं और वीडियोस को अपनी लाइफ में भी सकते हैं। तो गुड बाय, सी यू लेटर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।